नमस्ते, मैं डॉक्टर ऋषभ कोठारी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोविन कैंसर सेंटर। मैं आज लंग कैंसर के लोकली एडवांस स्टेज में कीमोथेरेपी और सिस्टमिक थेरेपी के बारे में बताऊंगा। लोकली एडवांस्ड लंग कैंसर यानी स्टेज टू और स्टेज थ्री का लंग कैंसर। जनरली स्टेज टू और स्टेज थ्री के लंग कैंसर का ट्रीटमेंट का डिविजन वेदर वो कैंसर का सर्जरी हो सकता है कि नहीं होता है उससे डिसाइड करने में आता है। जिस जिस पेशेंट को लोकली एडवांस स्टेज में सर्जरी करना पॉसिबल है उसमें जनरली नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी माने सर्जरी के पहले कीमोथेरेपी देने में आता है। जनरली सर्जरी के पहले 3 से 4 साइकिल कीमोथेरेपी देने में आता है और 4 साइकिल के बाद सीटी स्कैन, पेट स्कैन या एमआरआई करने में आता है। कीमोथेरेपी के रिस्पॉन्स से डिसाइड किया जाता है कि कौन से प्रकार का सर्जरी करने की आवश्यकता है। ये कीमोथेरेपी देना बेहद ज़रूरी है। कीमोथेरेपी देने से काफ़ी फ़ायदे होते हैं। एक, सर्जरी को प्लान करने का समय मिलता है। दूसरा, पेशेंट को सिम्टम में बेनिफिट मिलता है। तीसरा, पेशेंट का लाइफ बढ़ता है। रिसर्च से वो जाना गया है कि अगर अकेला सर्जरी करते हैं और सर्जरी के साथ कीमोथेरेपी करते हैं तो कीमोथेरेपी ऐड करने से लोग ज़्यादा जीते हैं। और लोकली एडवांस स्टेज में एक बेनिफिट है कि इसमें कीमोथेरेपी कंटिन्यूस नहीं चलता है, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ साइकिल्स कीमोथेरेपी के रहते हैं। जनरली 3 या 4 साइकिल्स कीमोथेरेपी के रहते हैं, यानी 3 महीने जितना कीमोथेरेपी होता है। मेजोरिटी पेशेंट्स ये कीमोथेरेपी अच्छे से टॉलरेट कर सकते हैं। ये कीमोथेरेपी कौन सा देना है वो पेशेंट को देख के, पेशेंट के रिपोर्ट्स देख के, पेशेंट की उम्र देख के, पेशेंट को साथ में और कोई बीमारी है कि नहीं है जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट का कोई प्रॉब्लम, ये सब मिल के डिसाइड किया जाता है कि कौन सा कीमोथेरेपी देना है। इसमें ये भी डिसीजन में मदद रूप होता है कि कैंसर का टाइप कौन सा है, एडिनोकार्सिनोमा है, स्क्वेमस कार्सिनोमा है। तो अगर सर्जरी होना है तो कीमोथेरेपी जनरली न्यू एडजुवेंट फॉर्म में देना चाहिए लोकली एडवांस स्टेज में, यानी सर्जरी के पहले। कोई कोई पेशेंट्स में सर्जरी पहले हो जाता है तो इसमें जो पेशेंट्स को वापस बीमारी आने का रिस्क ज़्यादा है उस पेशेंट्स को एडजुवेंट कीमोथेरेपी यानी सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी दिया जाता है। अगेन इसमें भी 3 से 4 साइकिल कीमोथेरेपी दिया जाता है। जो पेशेंट्स लोकली एडवांस कैंसर के हैं जिनका सर्जरी नहीं हो सकता है उनका जनरली ट्रीटमेंट कीमो रेडिएशन से होता है। इसको कॉन्करंट कीमो रेडिएशन बोलते हैं, जो कीमोथेरेपी रेडिएशन के साथ चलता है। रेडिएशन के साथ 2 प्रकार के कीमोथेरेपी रहते हैं। एक होता है जो 21-21 दिन का साइकिल है जो नियो एडजुवेंट और एडजुवेंट में देते हैं उसी प्रकार से, पर रेडिएशन के साथ देते हैं। ये 2 से 4 साइकिल तक का कीमोथेरेपी का सेशंस हो सकते हैं। दूसरा, अगर पेशेंट की उम्र थोड़ी ज़्यादा है, फिटनेस कम है, तो कई बार हर हफ्ते का कीमोथेरेपी देते हैं जो 5 से 6 साइकिल कीमोथेरेपी हो सकता है। सो बेसिकली पहले लोकली एडवांस डिसीज़ ऑपरेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर ऑपरेशन हो सकता है तो कीमोथेरेपी न्यू एडजुवेंट फॉर्म में सर्जरी के पहले या फिर एडजुवेंट फॉर्म में सर्जरी के बाद। और अगर सर्जरी नहीं हो सकता है तो रेडिएशन के साथ कीमोथेरेपी देने में आता है। ये हो गया कीमोथेरेपी के बारे में। इसके अलावा कोई और सिस्टमिक थेरेपी काम करता है कि नहीं करता है तो लोकली एडवांस डिसीज़ में खास करके कीमो रेडिएशन के बाद इम्यूनोथेरेपी का रोल है। जो पेशेंट्स को कीमो रेडिएशन से रिस्पॉन्स आया है उनको इम्यूनोथेरेपी दिया जा सकता है। 1 साल का इम्यूनोथेरेपी का कोर्स रहता है। अगेन इम्यूनोथेरेपी देने से पेशेंट का लाइफ स्पेन बढ़ सकता है। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि लोकली एडवांस्ड कीमो रेडिएशन करना ज़रूरी है और अगर फिजिबल है तो इम्यूनोथेरेपी ऐड कर सकता है। अगर जिस पेशेंट का सर्जरी हो सकता है और उनको न्यू एडजुवेंट फॉर्म में अगर हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो कीमोथेरेपी के साथ भी इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी देने से पेशेंट को रिस्पॉन्स अच्छा आता है और सर्जरी में ये मदद रूप हो जाता है। जो पेशेंट्स को न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी नहीं मिला है उनको एडजुवेंट कीमोथेरेपी के बाद इम्यूनोथेरेपी भी एडजुवेंट रूप में दे सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी देना नहीं देना, कौन सा इम्यूनोथेरेपी देना, ये डिसीजन जनरली मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपके रिपोर्ट पे और आपके स्टेज और डिसीज़ के टाइप, एडिनो, स्क्वेमस, उस ये सब के आधारित करता है। टारगेटेड थेरेपी का कोई रोल है तो लोकली एडवांस स्टेज में सर्जरी के बाद
ओसिमर्टिनिब करके एडजुवेंट ट्रीटमेंट अगर ईजीएफआर म्यूटेटेड पेशेंट है तो ये देने से बेनिफिट होता है। तो लार्जली सिस्टमिक थेरेपी में कीमोथेरेपी का रोल है, उसके ऊपर इम्यूनोथेरेपी ऐड करने से भी बेनिफिट है और कुछ पेशेंट्स में टारगेटेड थेरेपी दे के भी बेनिफिट होता है। और मैं अनुरोध करूँगा कि लंग कनेक्ट ग्रुप में ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस है लंग कैंसर रिलेटेड जो पेशेंट के लिए बेहद बेनिफिशियल रहेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पेशेंट्स और केयरगिवर्स को कि लंग कनेक्ट से जुड़े और इंडिया के अलग अलग रीजन में लंग कनेक्ट के सपोर्ट ग्रुप्स चालू हुए हैं उससे जुड़े और आपके जो जो दुविधा है, जो जो क्वेश्चंस है, जो जो क्वेरीज है वो एक्सपर्ट को पूछिए। जनरली हर एक जगह पे सपोर्ट ग्रुप मंथली रेगुलरली होता है, तो आप सपोर्ट ग्रुप में ज्वाइन होके आपकी लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पेशेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं और एक्सपर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं। मेजोरिटी हर एक सोशल मीडिया में लंग कनेक्ट का प्रेजेंस है, तो आप जो भी सोशल मीडिया से कंफर्टेबल है उसमें जाइए, उसमें इंफॉर्मेशन लीजिए, उसमें क्वेश्चंस पूछिए और आपके आंसर्स लीजिए एक्सपर्ट्स से। धन्यवाद।